यूक्रेन रूस युद्ध में रूसी सेना इन दिनों मेक इन इंडिया शू पहन रही है, जो रूसी सैनिकों को खूब पसंद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इन जूतों में ऐसी क्या खासियत है जो रूसी सैनिकों को खूब पसंद आ रहे हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि वर्तमान में रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज हो चुकी है, यहां तक कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा परमाणु हमले की धमकी भी दी जा चुकी है। लेकिन इसी बीच खबर मिल रही है कि रूस सीक्रेट तरीके से यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले एक खास तरीके के हथियार को चीन में बना रहा है। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध में रूसी सेना इन दिनों मेक इन इंडिया जूते पहन रही है, जो रूसी सैनिकों को खूब पसंद आ रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर इन जूतों में क्या खासियत है जिसको पहनने से रूसी सैनिकों की ज्यादा ठंड से बचाव होती है। बता दें कि रशियन आर्मी को मेड इन बिहार के जूते काफी पसंद आ रहे हैं, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत बिहार के हाजीपुर में रूसी सैनिकों के लिए जूते बन रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के हाजीपुर स्थित कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी रूस के लिए सुरक्षा जूते और यूरोपीय बाजारों के लिए डिजाइनर जूते बनाती है। लेकिन इन दिनों इस कंपनी के पास रशियन आर्मी के लिए जूते बनाने का बड़ा ऑर्डर है। और इतना ही नहीं, हाजीपुर के इस कंपनी में बन रहे जूतों को रशियन आर्मी खूब पसंद भी कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि हाजीपुर की इस कंपनी का जिक्र इसलिए भी खूब हो रहा है क्योंकि यहां बनने वाले अधिकांश जूते लगभग 70% महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए बिहार की ये कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि हाजीपुर में बने ये जूते सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि रूसी सैनिक चाहते हैं कि जूता हल्का होना चाहिए, जो आसानी से फिसलने वाला न हो। इसलिए कंपनी ने रूसी सैनिकों के लिए खास कम तापमान जैसे -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड झेलने वाले जूते बनाए हैं। यही कारण है कि रूसी सैनिकों को ये जूता खूब पसंद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक रूस चीन में खास तरीके के हथियार तैयार कर रहा है और इनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण विकास में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष में तैनाती के लिए लंबी दूरी के हमले वाले ड्रोन का उत्पादन करने के उद्देश्य से चीन में एक गुप्त ड्रोन कार्यक्रम शुरू किया है। यह जानकारी यूरोपीय खुफिया स्रोतों और पुष्टि करने वाले दस्तावेजों से मिली है, जहां गार्पिया 3 नामक ड्रोन को राज्य के स्वामित्व वाली रूसी हथियार निर्माता अलमाज एनटी की सहायक कंपनी आईईएमजी कुपोल द्वारा विकसित किया गया है। इस साल की शुरुआत से रूसी रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट में G3 मॉडल के विकास और उड़ान परीक्षण दोनों में चीनी विशेषज्ञों के साथ कुपोल के सहयोग का विवरण दिया गया है, जहां कुपोल ने चीन के एक कारखाने में G3 सहित इन ड्रोनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की अपनी क्षमता का भी संचार किया है, जिसका उद्देश्य उन्हें यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के तहत इस्तेमाल करना है। टिप्पणी के अनुरोध के बावजूद कुपोल, अलमाज एनटी या रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस तरह की परियोजना से अनभिज्ञ होने की बात कही है और ड्रोन एक्सपोर्ट पर देश के कड़े नियंत्रण उपायों पर जोर दिया है। कुपोल की रिपोर्ट के मुताबिक G3 ड्रोन 50 किलो पेलोड लेकर लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। हालांकि इस परियोजना में लगे चीनी ड्रोन विशेषज्ञों की पहचान के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट की है कि रूसी सेना ने 2023 में लगभग 1,40,000 ड्रोन हासिल किए थे और युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए तेजी से अनुकूलन के महत्व पर जोर देते हुए चालू वर्ष में इस संख्या को 10 गुना बढ़ाने की योजना बनाई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब चीन के उकसावे भरी कार्रवाई के जवाब में जापान ने अपनी नौसेना के विध्वंसक को चीन और ताइवान के बीच भेज दिया है, जहां जापान समुद्री आत्मरक्षा बल का विध्वंसक पिछले दिनों ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा है। यह पहली बार हुआ है
जब जापानी विध्वंसक जेएस साझानामी ताइवान स्ट्रेट से गुजरा है, जबकि इससे पहले अगस्त में चीनी टोही विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिसके बाद जापान की ताजा कार्रवाई को चीन की उसी हरकत का जवाब माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जापानी सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इस अभ्यास का आदेश जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने किया था, और जापान का मानना है कि अगर चीनी घुसपैठ का जवाब न दिया गया तो बीजिंग को प्रोत्साहन मिलेगा और वह दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकता है। बताते चले कि जेएस साझानामी ने बुधवार सुबह पूर्वी चीन सागर की ओर से ताइवान स्ट्रेट की तरफ अपना मार्ग शुरू किया और 10 घंटे से ज्यादा समय तक दक्षिण की ओर चलने के बाद शाम को यह ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के नौसैनिक जहाज भी ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरे। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इस साल अगस्त से ही जापान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जहां 26 अगस्त को चीनी टोही विमान शांक्सी Y-9 ने पूर्व की तरफ से जापानी एयरस्पेस में घुसपैठ की थी, जबकि इसके बाद 18 सितंबर को चीनी नौसैनिक जहाज योनागुनी और इरियोमोटे आइलैंड के बीच से होकर गुजरे थे। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें चीनी विमान वाहक पोत लियोनिंग भी शामिल था, और अब इतिहास में पहली बार जापान के रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि चीनी एयरक्राफ्ट ने जापानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया और चीनी एयरक्राफ्ट करियर जापान के पास से होकर गुजरा है। लेकिन सवाल यह है कि इस बीच ताइवान स्ट्रेट की स्थिति क्या है? तो आपको बता दें, ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच मौजूद समुद्री क्षेत्र है, जहां सबसे संकरा क्षेत्र 130 किलोमीटर चौड़ा है, जो किसी देश की जमीन से 12 समुद्री मील का जल क्षेत्र उसका क्षेत्र माना जाता है। अमेरिका समेत कई देश ताइवान स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानते हैं और इसे किसी देश का हिस्सा नहीं मानते हैं। हालांकि चीन ताइवान स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र बताने का विरोध करता है। यहां तक कि बीजिंग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए जापान इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक जहाज भेजने से परहेज करता रहा है। हालांकि जापानी तटरक्षक बल के जहाज तूफान से बचने के लिए ताइवान स्ट्रेट के ऊपरी समुद्र में रहे हैं, लेकिन कभी भी जलडमरु मध्य से नहीं गुजरे हैं। तो देखा जाए, ये क्षेत्र जिसे कई देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानते हैं, उसको लेकर चीन ताइवान क्रिटिकल कंडीशन खड़ी कर सकते हैं, जबकि जिस तरह से चीन दुनिया भर के देशों में नजर जमाए बैठे हैं और कुछ न कुछ गतिविधियां समुद्र में करता रहता है, उसका जवाब देने के लिए अब जापान भी हरकत में आ चुका है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि रूस यूक्रेन जंग के लिए खास तरह के ड्रोन चीन में सीक्रेट तरीके से तैयार कर रहा है, जिसको लेकर कई सोर्स दावा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस चीन के साथ मिलकर जंग के हथियार तैयार कर रहा है या फिर नहीं? कमेंट में अपनी जरूरी राय अवश्य दे। लेकिन मेक इन इंडिया जूते रूस भेजे जाने के लिए कमेंट में मेक इन इंडिया जरूर लिखे, और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी ज्यादा रिसर्च किया है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।